오 oh. सहनाववतु वो सहन भुन सह वी करवावह ओम विषाव शांति 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 फिफ्टीन्थ चैप्टर में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं अयम संसार अश्वत्थम वृक्ष इव इस संसार की तुलना या संसार को उपमा वृक्ष की देते हैं तो वहाँ पे भगवान कहते हैं असंग दृढ़ेन चित्वा इस संसार वृक्ष को अगर काटना है तो असंगता का शस्त्र धारण करो असंगता के शस्त्र से वृक्ष को काट सकते हैं तो आज हम असंगता पे चिंतन करेंगे असंगता का मतलब क्या है संग का अभाव किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में संग नहीं है संग को ही दूसरे शब्द में ममता कहते हैं ममत्व जिस वस्तु से मेरा संग हो गया जिस व्यक्ति से मेरा संग हो गया तो वह वस्तु या व्यक्ति मेरे सुख दुख का कारण बनती है इसको उल्टा करके कहेंगे तो जो वस्तु मेरे सुख और दुख का कारण बनती है उस वस्तु के साथ मेरा संग है तो उसके खुश होने से मैं खुश हो गया उस वस्तु की क्षति होने से मुझे दुख हुआ ये सब संग के लक्षण है तो ये संग बनता कैसे है तो सेकंड चैप्टर में कहते हैं ध्यातो विषयान उपजायते। संग का जन्म होता है किससे जन्म होता है ध्यात सतत चिंतन करने से किसका सतत चिंतन करना सतत सोच चिंतन मतलब सतत सोचते रहना इसका, किसी भी वस्तु का जब व्यक्ति सतत सोच आ, सतत स्मरण करता है तो उस वस्तु के साथ उसका संग बन जाता है वह वस्तु उसे अच्छी लगने लगती है कौन से वस्तु का चिंतन करता है व्यक्ति वह वस्तु जिसमें उसकी यह वृत्ति जागृत हो गई कि इसको प्राप्त करने से मुझे सुख मिलेगा यह वस्तु मेरे जीवन को जीवन में सुख लाएगी मेरे जीवन को और कंफर्टेबल करेगी ऐसी बुद्धि जिस वस्तु पर जिस वस्तु में बन गई उस वस्तु से फिर उस वस्तु का फिर चिंतन शुरू हो जाता है कैसे प्राप्त करें उसको प्राप्त करने के बाद क्या क्या करे और उसका फल क्या है प्रीति ही रुचि उस वस्तु को प्राप्त करने में फिर एक प्रीति रुचि निर्माण होती है और यही संग जब दृढ़ हो जाता है तो फिर मन में भाव आता है कि ये वस्तु मुझे प्राप्त करनी ही है पहले चिंतन का फल क्या निकला कि यह वस्तु प्राप्त होगी तो अच्छा होगा आग्रह नहीं था उसमें अभी संगह गहरा हो गया तो ये न के न प्रकार न किसी भी हालत में मुझे यह चाहिए तो फिर उसके लिए फिर कर्म शुरू हो जाते हैं और अगर संग जितना गहरा हो जाता है उतना व्यक्ति दुख के लिए क्या कहेंगे वलनरेबल हो जाता है संग गहरा है उतना ज्यादा व्यक्ति प्रभावित होगा उतना ज्यादा उसके मन को क्षति होगी तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं यह संसार वृक्ष से जितना ज्यादा संग करोगे उतना ज्यादा दुखी हो गए संग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दुख संग बढ़ेगा तो दुख भी बढ़ेगा तब इस असंगता को प्राप्त कैसे करना है तो सबसे पहले है ध्यायत है के स्तर पर काम करना पड़ेगा अगर किसी वस्तु में प्रीति उत्पन्न होने लगी कोई चीज पसंद आने लगी किसी वस्तु में सुख बुद्धि बनने लगी तो, तो क्या तो मेरे हाथ में क्या है उस समय मुझे अपने चिंतन को विराम देना पड़ेगा उस समय मुझे अपने चिंतन को रोकना पड़ेगा कैसे रोकेंगे टॉप बोल करके नहीं विवेक से क्या विवेक है क्या विचार से चिंतन रुकता है जैसे एक लौकिक उदाहरण दृष्टांत ले तो सपोज कोई व्यक्ति मॉल में घूमने जा रहा है और उसे एक बहुत महंगी वस्तु घड़ी ले लो डेढ़ लाख की घड़ी है बहुत पसंद आई और उसके मन में इच्छा जागृत तो हुई कि यह मेरे हाथ में कितनी अच्छी दिखेगी कितनी सुंदर दिखेगी वृत्ति इतनी ही तकती फिर मन में विचार आया नहीं डेढ़ लाख रुपए मुझे अभी ई भरने हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस भरनी है तो उस विचार से क्या हुआ चिंतन कट गया लौकिक विचार से लौकिक विवेक से चिंतन कट गया आध्यात्मिक विवेक क्या है तो बहुत सुंदर कठोपनिषद में ये कथा कत, आती है नचिकेतस की थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे नचिकेता को यमराज जी तीन वर देते हैं नचिकेता के तपस से प्रसन्न होकर के यमराज जी कहते हैं कि कोई भी तीन वर मांगो तो पहला वर नचिकेत मांगता है कि मेरे पिताजी का मेरे पिताजी के मन को शांति प्राप्त हो उनका दुख दूर हो दूसरा वर अग्नि विद्या के बारे में मांगता है मुझे अग्नि विद्या सिखाइए और नचिकेता तीसरा वर ब्रह्म विद्या का ब्रह्म विद्या सिखाइए ऐसा कहता है तो यमराज जी कहते हैं कि इसको ब्रह्म विद्या सिखाने से पहले ये अधिकारी है क्या नहीं सीखने का एलिजिबल है क्या नहीं इसको पहले चेक करें तो फिर यमराज जी कहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी निकालो और फिर नचिकेत को सारा स्वर्ग आदि का दर्शन करते हैं अनेक प्रकार के भोग दिखाते हैं बड़ी बड़ी इमारतें ब्यूटीफुल सीनरी सो मेनी थिंग्स टू ईट वराइटीज तो अब नचिकेत को कहते हैं कि ये सब ले लो पर ब्रह्म विद्या के बारे में मत पूछो तब नचिकेत कहता है शोभावा मर्त्यस्य यदंत सर्वेन्द्रिया जर यति तेज अभी सर्व जीवित मल्पमे वाह तव नृत्य गीते क्या कहते हैं शोभावा कितना सुंदर शब्द है ये कहते कि आपने जो भी दिखाया ये कल रहेगा इसकी गारंटी नहीं है तो अगर कल इसका अस्तित्व ही नहीं होगा तो मैं इसको आज लेकर के क्या करूं आप कह रहे हो कि तुमको जितना जीना है इच्छा मृत्यु का मैं वरदान देता हूं पर मनुष्य को जितना भी मनुष्य जितना भी जीवन जीता है उतना जीवन उसको कम ही लगता है किसी को भी नहीं लगता है कि मैं बहुत जी गया और ये आप जो भोगों की बात कर रहे हो ये तो इंद्रियाणाम तेज जरंती इंद्रियों के तेज को सुखा देते हैं तो इसीलिए क्या करो ये आपके सारे भोग आपके सारी प्रॉपर्टी आपके पास ही रखो आई एम नॉट इंटरेस्टेड ये विवेक है तो अगर ऐसा विवेक मन में प्रबल होता है तो ध्यायत का ध्यायत के स्तर पे ही हम संग से बच सकते हैं चिंतन को हम वहीं पे रोक सकते हैं ये विवेक कैसे बनता है तो शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं सत्संगत्व निसंगत्वम। ये विवेक ऐसा बोलने से होता है ऐसा नहीं है तो अगर ये विवेक दृढ़ होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा शंकराचार्य जी कहते हैं सत्संग करना पड़ेगा शास्त्रों को सुनना भगवान का नाम लेना भगवान के सन्निधि में ज्यादा रहना महात्माओं के सत्पुरुषों के सानिध्य में रहना ये सारी चीजें क्या देती है असंगता सत्संग जितना ज्यादा होगा उतना जगत से प्रेम कम होता है और भगवान से प्यार बढ़ता है अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है ज्यादा सत्संग करना पड़ेगा दैट्स इट थोड़ा सा खाने से अगर पेट नहीं भर रहा है तो क्या होगा खाना खाने से पेट नहीं भर रहा है मतलब क्या है कि खाना खाना पड़ेगा और खाना खाना पड़ेगा पर सत्संग का फल असंगता होती है सत्संग से भगवान का वरण होता है भगवान प्रायोरिटी बनती है जीवन की तो भगवान जब जीवन में एक बड़ा स्थान ले लेते हैं तो अपने आप जगत से संग कम होगा तो जितना सत्संग बढ़ाएंगे उतना विवेक दृढ़ होता है उतना असंगता शक्ति है उतना मन में कुशनिंग इफेक्ट निर्माण होता है कुशनिंग इफेक्ट क्या होता है मतलब अगर जोर से किसी ने धक्का दिया तो पीछे कुशन है तो उस धक्के को मैं सहन कर लेता हूं ज्यादा मुझे क्षति नहीं पहुँचती है उसी तरह अगर सामने प्रतिकूल परिस्थिति आई दुखद परिस्थिति आई तो मन इतना विचलित नहीं होता एजिटेट नहीं होता मन होगा थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा पर वह फिर डिस्टर्बेंस कुछ समय के लिए ही होगा अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब असंगता सद रही है असंगता चित्त में बन रही है तो यह कुशनिंग इफेक्ट सत्संग से प्राप्त होता है सत्संग क्या देता है विवेक देता है सत्संग मार्ग बताता है जीवन का मार्गदर्शन करता है मार्ग को दिखाता है और अगर सपोज किसी वस्तु से प्रीति बन ही गई रुचि बन गई ध्यान के स्तर पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया अभी वह वस्तु मुझे अच्छी लगने लगी तो क्या करूं तो क्या कहते हैं उस वस्तु के पास ही मत जाओ मतलब अगर किसी चीज़ से मुझे एलर्जी है तो मैं उसको क्या करता हूँ उसको अपने से दूर रखता हूँ तो अगर मुझे पता है कि यहाँ पे घूमने से ज़्यादा अट्रैक्शन है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट ऐसी करके रखी है कि मन बहक जाएगा अगर ये मुझे पता है तो समझदारी का काम है कि वहाँ पे मत जाओ मतलब अगर वैसा है स्वामी जी कहते हैं कि दीवार पे सर पटक करके क्या फायदा नो, लगने तो वाला हमको ही है ना तो अगर मन मुझे पता है कि अभी तक इतना मन में विवेक इतना प्रबल नहीं हुआ है तो तपस से सहन करके वहाँ पे उस विषय से उस वस्तु से दूर रहो वहाँ पे मत जाओ मतलब क्या है विषय से दूर रहो तब ऐसा कुछ समय हो गया कुछ समय तक अगर करेंगे तो फिर विवेक को बलवान बनाने का समय मिलता है दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन पर स्थूल स्तर जब अगर हम ऐसा करेंगे तो मन ज्यादा आकर्षित नहीं होता है विषयों में और धीरे धीरे विवेक भी बलवान होता है तब फिर असंगता प्राप्त होती है और यह असंगता की बात गीता में भगवान ने कई बार कही है संगम त्यक्तवा धनंजय संगम त्यक्तवा असंगता बहुत बार बहुत आ, आ, वर्सेस में भगवान कहते हैं तो भगवान की दृष्टि से बहुत बड़ा सद्गुण है मन आप देख सोचिए उस महात्मा का मन कैसा होगा जो कहीं पे जाकर के चिपकता नहीं है संग का मतलब क्या है जहां पे गए वहां पे चिपक गए चिपक गए मतलब जहाँ पे गए वहां से भी जाने का मन नहीं होता है उसको ही पकड़ करके बैठ गए स्नेह कहते हैं ना स्नेह स्नेह का मतलब क्या होता है जिसमें स्निग्धता होती है स्निग्धता मतलब चिकनाई चिकटपना जैसे घी में स्निग्ध तो वहाँ पे जाकर के वो चिपक जाता है पकड़ लेता है उसको और फिर छोड़ने का नाम नहीं लेता है जिसमें जिसके मन में नहीं है उसका मन कितना स्वतंत्र है जिसके मन में असंगता है उसके मन में कितनी चीजें उसके मन से कितनी चीजें चिपकी होगी फिर मतलब उसका मन विचार करने के लिए उपलब्ध है इसलिए फिफ्टीन चैप्टर में कहते हैं असंगता का असंगता प्राप्त करने के बाद परिमार्गणम करो परिमार्गितव्यम मतलब चिंतन करो विचार करो श्रवण करो ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्तिशान्तिः हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम्